लड़कियों के लिए प्यार एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। मुझे एक बात बताओ, मान लो कोई आदमी तुम्हारे पास आए किसी कंपनी का ऑफ़र लेकर और तुम्हें बताए कि यह कंपनी 5 बार भाग चुकी है लोगों का पैसा लेकर, लोगों की मेहनत की कमाई लेकर यह भाग चुकी है, कई लोग इस कंपनी में पैसे लगाकर बर्बाद हो चुके हैं, तो तुम ऐसा करो अपने 5 लाख रुपये इस कंपनी में लगा दो, क्या तुम लगा दोगे? नहीं ना, नहीं लगाओगे। तो तुम यह क्यों सोचते हो कि अगर तुम किसी लड़की से कहोगे कि मुझे कभी प्यार नहीं मिला, जो भी लड़की मेरी ज़िंदगी में आई वह मुझे छोड़कर चली गई, मैंने जिससे भी प्यार किया वह मुझे छोड़कर चला जाता है, मुझे जो अच्छा लगता है उससे मुझे छीन लिया जाता है, जो भी मुझसे मेरी ज़िंदगी में आता है वह मुझे दुख ही दुख दे जाता है, मैं सदियों से सच्चे प्यार के लिए तरस रहा हूँ मगर मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, मैं किसी लड़की को सच्चा प्यार करना चाहता हूँ मगर हर लड़की मुझे धोखा दे जाती है। और यहाँ कहानी सुनाने के बाद तुम कहते हो प्लीज़ मुझसे प्यार कर लो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम अपनी बर्बादियों की कहानियाँ क्यों सुनाते हो। उल्टा कहो, उससे कहो यार मेरी ज़िंदगी बड़ी मस्त है, मैं एक बड़ा खुश मिजाज और किस्मत वाला इंसान हूँ, अगर तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो तुम्हारी किस्मत ही खुल जाएगी, मेरे साथ जो भी होता है अच्छा होता है, मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स रही है मैं उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया है। यह सुनकर उसके दिमाग में एक अच्छी तस्वीर बनेगी कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो मुझे भी मज़े आएंगे, लेकिन तुम उसे मनहूस कहानियाँ सुनाते हो और सोचते हो कि वो तुमसे प्यार करेगी। लड़कियाँ किस्मत वाले इंसान से प्यार करती है बजाय किसी बदकिस्मत इंसान के। मैं तुम्हें फिर बताता हूँ, सम्राट बनो, भिखारी मत बनो, भिखारियों का कोई साम्राज्य नहीं होते हैं।